प्रणाम सिद्धां नमो आयिर्याणं नमो उपज्झायाणं नमो लोये संसारिणं। सिद्ध परमेश जी की भक्ति चल रही है। समये प्रत्ययम् प्रत्ययम् समये समगम ते सिद्धा पणिवदामि सदा। जो एक समय में अकेले सिद्ध हुए हैं और जो एक समय में अन्य सिद्ध होने वालों के साथ सिद्ध हुए, ऐसी स्थिति होती है। कभी एक समय में एक सिद्ध होते हैं, कभी दो होते हैं, कभी तीन चार पांच छह, ऐसे क्रम से एक एक बढ़ाते हुए अधिकतम 108 आत्माएं एक समय में सिद्धत्व को प्राप्त होती है। उन सब को मैं पणिवदामी प्रणाम करता हूं और सदा हमेशा प्रणाम करता हूं। अभी जब इसमें सब विलंब हो रहा था ना, तो हम सिद्ध भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि वहां से वो सब तमाशा देख रहे संसार में कैसा नाटक चल रहा है, उनको सब कुछ दिख रहा है, तो उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, हमेशा प्रणाम करते हैं। अब इसके उपरांत कति कर्म प्रकृति विनाशेन ते सिद्धा भवन्ति इति चेद उच्यते। यहाँ एक बड़े महत्व की बात है, कज्जा भावे कारणा भाव, कज्जा भावे कारणा भावो धवला में आता है। वीरसेन आचार्य महाराज ने नवी पुस्तक में लिखा कि जब कार्य कारण का अभाव हो जाता है, कारणा भावे कज्जा भाव ऐसा बोलना था, तो कारण का जब अभाव हो जाता है तो कार्य का अभाव हो जाता है। जब अग्नि नहीं होगी तो धुआं कैसे निकले, सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश, सिगड़ी नहीं होगी तो रोटी कैसे बने, तो कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाता है। अब अपने को ये देखना है कि संसार में जो अपन देख रहे हैं अपनी आत्मा में, कभी राग होता है, कभी द्वेष होता होता है, तो ये सब अकारण नहीं होते। जितनी भी घटनाएं होती है वो सकारण होती है, निष्कारण नहीं हो सकती। तो ये सुख का कारण क्या है, साधा, दुख का कारण क्या है, असाधा, राग का कारण क्या है, तो मोहिनी कर्म की कुछ प्रतिनियत प्रकृतियां हैं, जैसे माया, लोभ, हास्य, रति और वेद। इन छह प्रकृतियों के उदय से राग होता है, और द्वेष कैसे होता है, क्रोध, मान, शोक, भय, जुगुप्सा, अरति, इन मोहनी कर्म की प्रकृतियों के उदय से द्वेष होता है। तो कारण हो गया ना, अकारण तो नहीं हुआ। फिर बाह्य निमित्त तो कोई भी हो सकता है, वो तो आलंबन मात्र है, आपको किसी भी बात पर नाराजगी हो सकती है, भले वो कोई बहुत बड़ा पहाड़ ना हो, लेकिन जरा सी बात पर आप एकदम रूठ सकते हैं। लेशिया की बात है वो, जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं ना लेशिया, कि जरा जरा में रूठ जाते हैं। कौन सी लेशिया है बताइए, बताइए, जरा जरा में रूठ जाना कौन सी लेशिया है, कपोत लेशिया है, नील है, रूसे ही निंदे ही बहु सो नील है। कौन सी प्रकृति नील लेशिया, देखो अब इसका मतलब ये हुआ
कि अगर अपन रूट है जरा जरा अपने अंदर एकदम भारी चिड़चिड़ा अपन आ गया तो समझ लेना कि नील लेशिया और नील लेशिया क्रम से ही सुधरती है, कोई भी लेशिया अक्रम से नहीं बदलती है। अगर तीव्र नील लेशिया है तो आपको तीव्रतम कापोत में उतरना पड़ेगा, फिर तीव्रतर कापोत में आना होगा, फिर तीव्र कापोत में आएंगे आप, और उसके बाद मंद पीत में आएंगे, मंदतर पीत में आएंगे और मंदतम पीत में आएंगे। ऐसे क्रम से लेशिया बिगड़ती भी है और सुधरती भी है, तो ये बात है। इसलिए कहते हैं कि जो भी त्याग और तप करना है उसके साथ शक्ति तक शक्ति देख लेना, आपकी लेशिया बिगड़ जाए तो समझना कि आपकी शक्ति दुर्बल। इसलिए ऐसी तपस्या करो कि जिससे लेशिया ना बिगड़े, क्योंकि लेशिया बिगाड़ कर कर्म का आश्रय थोड़ी करना अपने तप करके, तपसा निर्जरा, तप निर्जरा के लिए करना है, ये बात है। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि अगर दो उपवास की शक्ति है तो एक करो, चार की शक्ति है तो तीन करो, और ज्यादा खींचातानी करोगे तो ध्यान होगा। इसलिए शक्ति देख कर अभी हम उपवास का तो उदाहरण संयोग से आगे सभी तपस्या की बात करें, सभी प्रकार के तप की बात करें। अच्छी बात है, वो जो भी करते हैं बढ़िया बात है, उनको संगति मिल जाए ना तो संगति में लेशिया बिगड़ती कम, अगर अच्छी संगति हो ना। अब मान लो आप का शरीर साथ नहीं दे रहा है लेकिन आप गुरु के चरणों में बैठे हैं तो अब क्या कषाय करोगे, और आपके अंदर उनके प्रति गुरुत्व रूप श्रद्धा है तब तो किसी की श्रद्धा कम हो अति परिचय होने से अवज्ञा कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहे, जिसके प्रति अंदर से भावना है तो वो अपनी मर्यादा का ध्यान रख करके और अपने मन को शांत रखेगा। फिर अगर थोड़ा मन में ज्यादा विकलता आई तो गुरु का आशीर्वाद कि गुरु है कुछ संबोधन दीजिए, मेरी शक्ति थोड़ा जवाब दे रही, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, तो गुरु के आशीर्वाद से बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, इसका कईयों को अनुभव होगा। इतनी शक्ति आती है गुरु के आशीर्वाद से, ये जिन लोग जो लोग नहीं जानते वो सोच ही नहीं सकते उस बारे में। बराबर वो जगा देते हैं ना अपनी शक्ति, शक्ति तो आत्मा में है लेकिन ऐसे उनका हाथ होता है तो अपने कई कर्मों को वो आशीर्वाद छांट देता है और वो शक्ति आपकी जगह दे, तो वो गुरु कृपा बड़ी चीज है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि कोई भी कार्य हो रहा है वो अकारण नहीं हो रहा है, और इस जगत में सभी लोग रोगी हैं, सबको रोग लगा हुआ है, कर्मों का रोग। जिनेन्द्र वर्णी जी कहते थे कि सबको कर्मों का रोग लगा है, इसलिए किसी से नफरत नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। कोई बीमार आदमी के प्रति गांठ बांधता है क्या कि इसने इतना टेम्परेचर था तो क्या हो, मेरा अपमान कैसे किया उसने, अरे भाई उसकी हालत तो आपको अपने अपमान सम्मान की सुन रही। कभी कभी ऐसा होता है जैसे किसी को देगा अपन को कुछ भी भाव नहीं लेकिन परिणाम उसको देख के बदल जाता है, बदल जाता है, वो पूर्व भाव का संस्कार रहता है। जैसे कमट के परिणाम 11 भावों तक बिगड़ते रहे, जब जब समागम हुआ 5 बार उन्होंने मारा पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के जीव का 5 बार उसने उपद्रव किया, 5 भावों में समागम हो गया, नरकों में और स्वर्ग में तो नहीं हुआ समागम क्योंकि वो स्वर्ग में थे फिर ये नरक में थे तो डिस्टेंस बढ़ जाता था, फिर यहाँ मध्य लोक में वापस मुलाकात हो जाती थी और फिर मुठभेड़ हो जाती थी। तीर्थंकर प्रकृति को जो बांध चुके थे, आनंद मुनि उनका नाम, पार्श्वनाथ भगवान के ही जीव थे, उनको कमंड के जीव ने शेर बनकर के खाया। आप कल्पना करो कि तीर्थंकर प्रकृति वाले वाली आत्मा जो असंख्यात में एक होती है उनको भी शेर ने खा लिया। वैर ऐसी चीज है, पूर्व का संस्कार। तो इन कारणों के छट जाने पर कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे आत्मा का स्वभाव केवल नाण सहा सोहम यदि चिंतन नाणी,
नियम सार ग्रंथ में कथा आती है कि ज्ञानी जीव जब ध्यान में बैठते हैं तब तो विचार करते हैं कि ये मति श्रुत अवधि मन परे विभाव ज्ञान पराश्रित है, कर्माधीन है, क्षयोक्षमी है, मैं तो केवल ज्ञान स्वभाव ही हूं। जब ऐसा ध्यान करते हैं तो फिर वो समता भाव को प्राप्त करते और वो समता उनको केवली बना देती। अंतर मुहूर्त में केवल स्वभाव ही हूं, लेकिन केवल को रोकने वाला कौन, किसने रोक रखा है केवल ज्ञान, बता सकते हैं आप? केवल ज्ञानावरण कर्म वो सर्वघाती कर्म, पर सर्वघाती उसको कहते हैं जो सर्वघात कर पूरा, वो छोड़ता ही नहीं कुछ भी, पूरा ही घात करता है। तो केवल ज्ञानावरण कर्म जो है वो सर्वघाती है और उससे केवल ज्ञान का सर्वघात, लेकिन स्वभाव का नाश नहीं होता, स्वभाव बना रहता है। कोयले का काम जलाना है, लेकिन अगर वो बर्फ वाली भूमि पर पड़ा हुआ तो फिर कैसे जलेगा? पानी का काम आग बुझाना है, लेकिन वो खोलता हुआ पानी हो तो छूने वाले के हाथ को जला दे। इसी प्रकार इस जीव का स्वभाव जो है वो शांत निराकुल आनंद और चिकना है, पर इस समय इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है? क्योंकि कर्म का वैसा उदय है। तो अर्थ ये हुआ कि प्रतिबंधक कारण अभी जीव अपने साथ समेटे हुए, कुछ ऐसे उसने अपने अंदर कुछ अपने स्वभाव को रोकने वाले कुछ कुछ सामग्री उसने अपने पास रखी हुई, तो स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में जो सिद्ध हुए हैं उन्होंने उस सामग्री को दूर किया होगा ना जो उनके स्वभाव को रोक रही थी, तो कैसे दूर किया, क्या क्या दूर किया, उसकी गाथा है, उसकी भूमिका में हमने इतने प्रस्तावना जैसे बनाई। सिद्ध कैसे होते हैं वे प्रसिद्ध सिद्ध, सिद्ध कैसे होते हैं ये प्रश्न है। तो आचार्य कहते हैं पयड़ी विनाशेन, ये प्रकृतियां हैं कर्मों की जो आत्मा में विकृति उत्पन्न कर, तो प्रकृति चली जाए तो विकृतियां चली जाए। कौन सी प्रकृतियां? तो संख्या दे रहा है पर्ण, पांच प्रकृतियां, ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियां, फिर नव दर्शनावरण की नौ प्रकृतियां। ज्ञानावरण की पांच कौन सी प्रकृतियां? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, फिर नौ दर्शनावरण की कौन सी प्रकृतियां? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, और पांच निद्रा है, निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और ये नौ प्रकृतियां। फिर अट्ठवीसा, 28 प्रकृतियां मोह की, मोहनी, जिनमें 28 प्रकृतियों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये तीन दर्शन मोहनी की, और बाकी 25 चरित्र मोहनी की। कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संयोजन क्रोध मान माया लोभ, 16 हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये हास्य आदि षट नौ कषाय हो, और स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक, ये तीन वेद, ये भी नौ कषाय। तो इस तरह 16 कषाय और नौ नौ कषायों के क्षय और तीन दर्शन मोह के क्षय से 28 प्रकृतियां मोहनी की नाश को प्राप्त होती है। फिर चौ,
विषा चौ चार आयु कर्म के कौन से चार आयु कर्म के नारद तैयोग और मानुष देव नरकायु तिर्यकायु मनुष्यायु प्रतिमायु और तीर्ण अवधि 93 नाम कर्म की 93 प्रकृति गतिजात निर्माण बंधन संघात संस्थान उच्छ्वास विहाय प्रत्येक शरीर सूक्ष्म पर्याप्त स्त्रादि यश कीर्ति से नाम कर्म कुछ पिंड प्रकृति है कुछ अपिंड प्रकृति है जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण ये पिंड प्रकृति है क्योंकि स्पर्श में 8 प्रकृतियां हैं गुरु लघु स्निग्ध रूक्ष फिर घर का भारी गुरु लघु में स्निग्ध रूक्ष हो गए और कठोर मृद और उष्ण शीत जैसे अपन उष्ण नाम कर्म वाले जीव वार्म ब्लडेड एनिमल्स और शीत नाम कर्म वाले जो जीव होते हैं उनका शरीर ठंडा मगरमच्छ है छिपकली है सांप है ये शीत नाम कर्म वाले और मनुष्य है कुत्ता है गाय भैंस शेर वगैरह ये उष्ण नाम कर्म वाले कि शरीर में गर्म रखते अपन देखेंगे हमेशा अपने शरीर में कुछ गर्माहट तो मिलेगी थोड़ी ठंडा हो तो इलाज करवाना तो ये 93 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं और दोनी दो वेदनी कर्म की प्रकृति होती साता और सबको पता है सबसे ज्यादा वेदनी कर्म का सबसे ज्यादा परिचय और फिर पांच अंतराय कर्म की प्रकृति है इस तरह कुल कितनी प्रकृतियां हो गई बावनहीन बीएसए पैड़ी क्या सुंदर संख्या दी है बीएसए यानी 200 में से 52 नहीं 52 कम कर दीजिए 200 में से 52 कम करेंगे तो कितनी होगी 148 अभी आप ऊपर जो प्रकृतियां बताई उनको गिन लो तो 148 आती पर जब छंद में कविता में लिखना है तो कविता में लिखने के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया अब 148 लिखने जाते तो छंद बिगड़ जाते तो 52 कम कर दीजिए 200 में से इन प्रकृतियों के विनाश से वे सिद्ध होते हैं क्या अद्भुत बात 63 पहले नष्ट होते हैं और उसके बाद 85 बाद में नष्ट होती 63 पहले कौन सी नष्ट होती है क्रम अपन देख क्रम देख सबसे पहले मोहनी की 7 प्रकृतियां नष्ट होती क्योंकि क्षयिक समय दर्शन सबसे पहले जरूरी है बिना क्षयिक समय दर्शन के आगे का कुछ काम नहीं हो सकता और क्षयिक समय दर्शन केवली अथवा शुद्ध केवली के चरणों में होता है और वो उसके जो काल लिखे हुए हैं वो दुष्मा सुषमा अथवा सुषमा दुष्मा काल में ही अब सुषमा दुष्मा काल तीसरा काल है वहां भोग भूमि जब समाप्त हो रही होती है तब हो सकता है क्षयिक समय दर्शन और इधर जन्म की अपेक्षा से कह रहे हैं कि सुषमा दुष्मा काल तीसरा काल जगन्य भोग भूमि उसमें किसी का अंत में जन्म हुआ उसको भोग भूमि प्रतिभाग के तब वो क्षयिक समय दृष्टि हो सकता है और फिर जो चौथा काल आता है अवसर्पणी का उसका नाम दुष्मा सुषमा है उसमें भी जन्म लेने वालों को क्षयिक समय दर्शन हो सकता है लेकिन दुष्मा काल में जन्म लेने वालों को क्षयिक समय दर्शन नहीं होता इसलिए वो स्वयं शुद्ध केवली भी क्यों ना हो वो वेदक समय दृष्टि ही रहे जैसे
जो केवली पंचम काल में जन्मे थे उनको एक समय दर्शन नहीं था, और जो जंबो स्वामी, जो गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जंबो स्वामी, ये तीनों पंचम काल मोक्ष गौतम स्वामी महावीर स्वामी के 12 वर्ष बाद मोक्ष। 12 वर्ष बाद कौन सा काल? चौथा काल तो निपट चुका था महावीर स्वामी के, 3 वर्ष 8.5 में चौथा काल तो ऐसा होता है। तो देखिए कैसी विडंबना है कि आचार्य भद्रभाव स्वामी के संग में 12,000 मुनि, वैसे तो 24,000 थे पहले, लेकिन वो आधे वहां रुक गए थे मालव प्रांत में, तो यहाँ दक्षिण 12,000 और 12,000 में से 8,000 तमिलनाडु की तरफ चले गए थे, 4,000 इधर कर्नाटक में रुक गए थे, और सब बढ़ बढ़ करके सबके चौमासे हुए। और वो साक्षात श्रुत केवली के शिष्य थे, उस समय कोई मत मतांतर नहीं था, एक वही महावीर स्वामी का शासन था, उसमें कोई उपशासन नहीं बने शतमस्तों के। तो उस समय भी न स्वयं श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी को क्षायिक समय दर्शन हो सका, न उनके शिष्यों को। और चौथा काल होता तो सारे क्षायिक समय दृष्टि, क्षायिक समय दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, और उससे भी दुर्लभ तीर्थंकर प्रकृति। विनाश से इन सब ने जो जो रोक रखा था, आत्मा के जितने बटन ऑफ थे वो उनको अलग करने के बाद अपने आप ऑन होते चले गए, ऐसे ऐसे जड़ाते के जड़ाते सब साफ हो गए उत्तर, और वो सारा प्रकाश उद्घाटित हो गया। 148 कर्म प्रकृतियों ने आत्मा के अनंत गुणित कर रखा था, और फिर जो सिद्ध स्वरूप प्रकट हुआ वो प्रत्येक जीव का मूल स्वरूप। कल अपन ने पढ़ा था प्रवचन सा, कल या परसों पढ़ा था, मूल गुण, मूल कौन है? मूल आत्मा है, और आत्मा के जो केवल ज्ञान आदि गुण है वो इसके निश्चयता मूल गुण है। फिर व्यवहार से जो इसके कारण है, व्यवहार कारण होता है ना, निश्चय कारण होता है, तो जो निश्चय गुणों में कारण है ऐसे 28 मूल गुण और 34 उत्तर गुण व्यवहार से मूलोत्तर गुण कहलाते। तो क्या घटना घटी है सिद्धों के जीवन में, और कैसे, देखिए आप उदय सुंदर और वो जो वृत्तांत आता पद्म पुराण में, वो कौन थे, सहस्र भाव या कौन थे? उदय सुंदर और एक जन और थे, वो साले, हाँ वो थे बहनोई और शालक, संस्कृत में शालक बोलते हैं, हिंदी में साला बोलते, तो वो आजकल शब्द थोड़ा सा ऐसे ही है, सभ्य नहीं लगता। तो जब वो विवाह के अभिमुख थे तो एक मुनिराज को तपस्या देख करके विचार हो जाती है, ये क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर वो जो थे वो हंसी मजाक चलते ही उन दोनों में, आज भी चलता है। तो उनने टोका कि क्यों भाई, क्या विचार है, उधर क्या देख रहे हो, उनके संग में बोले कि अगर मैं चला गया तो तेरे को चलना पड़ेगा, तब बोल चलता हूं मैं। तो बोले कि अच्छा तेरी तो शादी हो रही है, अगर तू दीक्षा ले लेता तो फिर मैं भी दीक्षा लू, और वो दीक्षा ले लेता। क्या घटना है, क्योंकि उनको वैराग्य हो चुका था उनकी मुद्रा मात्र देखकर, ऐसा होता है, क्या अद्भुत बात है। इस तरह ये सारे कितने भंग है, सिद्ध कितने प्रकार के हुए, उन सबको यहाँ पर सिद्ध भक्ति में, ये आठवीं गाथा थी, इसमें देखिए कुल गाथाएं कितनी है, बारह गाथा, तो अपन 8 तक के पहुंचे, 4 गाथाएं और शेष, तो
उन सिद्धों की अपन वंदना करते हैं। नमो सिद्धार्थ, जय नम जय शास्त्र।